स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर बी ए मैथ, जिसमें हम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शंस, इसका हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक जो है वो सॉल्व करते हैं। उसके अंदर हमें कहा गया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस फोर, फाइंड, मालूम करना है हमने क्या चीज, हमने मालूम करनी है कि एफ ऑफ माइनस थ्री जो है मालूम करना है, देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है। अब आपने जस्ट जहां पर वेरिएबल एक्स यूज किया गया है वहां पर उसकी वैल्यू को पुट करना है। जैसे कि मैं इसको लिखता हूं, यहां पर एक्स की वैल्यू में माइनस थ्री पुट, माइनस थ्री का माइनस थ्री ओवर माइनस थ्री प्लस फोर। यहां पर मैंने आपको पहले बताया है कि यहां पर हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना था, एवेल्यूएट करना होता है, तो जो वेरिएबल की वैल्यू हमें दी गई होती है वो जस्ट इसके अंदर हमने पुट करनी है और वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। माइनस थ्री का जो स्क्वायर होता है वो नाइन के इक्वल होता है, माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस फोर और प्लस वन हमारे पास नीचे बच जाएगा, तो नौ में से तीन चले गए तो हमारे पास छह बटा एक बच गया, वो हमारे पास आ जाएगा छह के इक्वल। तो आप इसका आंसर बताएंगे f ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। इसका सेकंड पार्ट आप दो खुद कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर टू की जाने, जहाँ पर हमारे पास बताया गया है कि हमने मालूम करनी है वैल्यू वन ओवर x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू वन ओवर x, ये आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है इसकी, जबकि हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है वो ये है f ऑफ x इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इस चीज के इक्वल हमारे पास वैल्यू है, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दी हुई है वन ओवर एक्स, अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर वन ओवर एक्स पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर हम वन ओवर एक्स पुट कर देंगे और ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगे वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। अब ये बटे के नीचे बटा आ गया, ये जाकर वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। तो ये वो आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इसके बाकी चीज़ों को भी सॉल्व कर लेना है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर फोर की जानिब चलता हूँ, जिसमें से एक सवाल मैं करता हूँ और एक सवाल आप खुद कीजिएगा, जिसके लिए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन नंबर थ्री और इसका पार्ट नंबर वन जो है वो मैं कर देता हूँ। हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर के इक्वल, और कहते हैं कि प्रूव दैट क्या, टू एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू 25 एफ ऑफ वन, इस चीज़ के इक्वल आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ थ्री मालूम कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको हम टू के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद एफ ऑफ वन मालूम करेंगे उसको हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा करते हैं, तो इसमें हम एक्स की जगह पर क्या करते हैं थ्री पुट कर दें, एफ ऑफ थ्री जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ वहाँ पर हम थ्री पुट कर देंगे प्लस फोर। तो 27 ज़रा 3 81 9 दूनी 18 माइनस तीन थे जमा के चार थे तो जमा का एक बच जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 100। ये अगर एक ये 100 बन जाएगा। तो अब हमने एक और काम भी करना है इसके अंदर, वो ये कि दो इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो आप बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 200। तो ये आपके पास समझे कि इक्वेशन नंबर एक बन जाएगा। तो दूसरी जानेब आपने क्या करना है, एफ ऑफ वन मालूम कर रहे हैं और 25 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपने मालूम कर रहे हैं एफ ऑफ वन और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप वन पुट कर देंगे, थ्री इंटू वन क्यूब प्लस टू इंटू वन स्क्वेयर माइनस वन प्लस फोर। तो एक की जितनी भी वर्दी पावर वो एक ही रहता है, तीन ज़रब कर देंगे तो वो तीन बन जाएगा, दो मनफी का एक जमा के चार तो जमा के तीन बन जाएंगे, तीन और दो पाँच और सात होगा।
तो अब आपने इसकी जगह पर आपने आठ तीन तीन छः और सॉरी ये आठ बन गए। तो एफ ऑफ वन आपने मालूम कर लिया। अब आपने क्या करना है 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। तो अब आप इसको क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास फिर से 200 बन जाएगी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखें इक्वेशन नंबर 1 का आंसर और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो आप कहेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेंस हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।